गाइस निकल रहे हैं अभी नेशनल पार्क के लिए। 5 बजे उठना पड़ा, 6 बजे का टाइम है मतलब पिकअप करने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी निकले हैं नैरोबी नेशनल पार्क के लिए। तो बीच में यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह के लिए रोका है गाड़ी, अपनी गाड़ी है उधर वो ब्लैक वाली। इधर ये सारे पता नहीं पहले से पार्क है पे लोग इधर कोई खाना खाने वगैरह गए हैं। तो ये रही अपनी गाड़ी, ये रहे ड्राइवर भैया, अभी निकलेंगे थोड़ी देर बाद। पाए तो यहीं पे हैं अभी, गेट पे जाके 10-15 मिनट के अंदर एंट्री करेंगे अंदर जाके, देखते क्या क्या देखने में। वैसे बारिश हो रही है आज तो थोड़ा मुश्किल ही है, मतलब क्या मतलब कोई एनिमल्स वगैरह बाहर घूमेगा थोड़ा डाउट ही है, देखते हैं। बारिश हो गई, मतलब जमकर बारिश हो रही है अभी। इधर इधर आके ई पेमेंट करने गए और थोड़ा किसी का हो ही नहीं रहा है, इधर सारे लोग इधर नेशनल मेन गेट के पास ना वेट कर रहे हैं। बहुत सारे फॉरेनर्स वगैरह हैं, देखते हैं। अभी शुरू हुआ है, ये रही सर, ये रही बाइक वगैरह, इधर पीछे देख सकते हैं आप लोग सारे लोग। तो अभी ये लोग बस गेट के अंदर आए, पता नहीं और कितना टाइम लगाएंगे। चल रहे हैं अभी अंदर फिर से वॉशरूम जाके आए। एलिफेंट्स की किलिंग रोकने के लिए वहाँ के प्रीवियस प्रेसिडेंट्स ने यहाँ पे सबको पकड़ के उनके जो भी टस्क होते हैं उनको चला के ऐश कर दिया वहाँ पे। राइनोसॉरस पानी में होते 2-3। साथ में काफ़ी कंट्रीज से आए थे लोग, जैसे ये लड़की की फ्रांस से थी, वो बंदा जर्मनी से था, कुछ वर्क ट्रिप के लिए आए थे। इतना हेवी होने के बाद भी मतलब वो फ्लोट करते हैं वहाँ पे, इतना काफ़ी बड़े होते हैं। बफेलोज वन ऑफ द बिग 5 इन नैरोबी नेशनल पार्क। टाइगर वहाँ पे देख सकते हो आप, काफ़ी दूर दूर थे वैसे टाइगर्स और लायंस वगैरह सब, आँख से तो दिख रहे थे लेकिन हाँ शूटिंग वगैरह के लिए कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहे थे क्लोज बाय। सब लोग खड़े होकर देख रहे उसी को, उसके साथ साथ चलने के लिए बोल रहा था ड्राइवर, उसके व्हीकल उसके साथ साथ में ले जाएगा पैर ले ली। रेनडियर्स कुछ तो इम्पाला बोल रहे थे वो लोग इसका, हिरन के फैमिली का टाइप होता है ये, काफ़ी ज़्यादा थे वहाँ पे। जिराफ, ऑस्ट्रिच, शाहमृग, इसकी जो नेक होती है ना काफ़ी ऊपर तो जाती है, काफ़ी नीचे भी आ जाती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल रहती है इसकी नेक। लायन फाइनली जाके एक लायन दिखा और वो सो ही रहा था ऐसे, आसपास लगभग 8 से 10 जीप। स्कूल में पढ़ा था कि जैसे सबसे बड़ा जो एग रहता है वो ऑस्ट्रिच का रहता है, काफ़ी बड़ा होता है। और ये ज़ेब्रा और इम्पाला साथ साथ में, यहाँ पे दिखे दो राइनोसोरस, इनके सिंग नहीं, सिंग काट के ये लोग ऐश जला के वहाँ पे ऐश जमा करके रख देते हैं। यहाँ पे ना अभी बहुत सारे एक साथ ज़ेब्रा लाइन से पूरा पीछे तक, एक ही पीछे एक जा रहे हैं लोग। ओह सो लॉन्ग।
पास में कोई तालाब था, वहाँ पे सारे पानी पीने के लिए गए थे। तभी पूरे लाइन से अरे पीछे और कुछ रुक जाते हैं इसमें भी। पास से बहुत सही दिख रहा था इसका। Those are waiting, those five. What did you know? और वो गाइड ये भी बता रहा था, मतलब एवरी ज़ेब्रा हैज लाइक, सबका अलग अलग पैटर्न होता है, कोई दो ज़ेब्रा सेम पैटर्न के साथ नहीं होते। जहाँ तक एज फार एज आई नो कि ज़ेब्रा जो है सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते हैं। जिराफ इंडिया में शायद एक दो जगह मिल जाएगा, जिराफ अगर, ज़ेब्रा कहीं नहीं मिलता इंडिया में, ऐसा है। ये बहुत ही डेंजरस दिख रहे थे वाले, कुछ पता नहीं इसका नाम क्या था, वाइल्ड बीस्ट समथिंग कुछ था, पर ये बहुत डेंजरस दिख रहे थे इनका फेस वगैरह। और फिर इधर पानी के पास थे, यहाँ पे ज़ेब्रा वगैरह पानी पीने के लिए थे, आगे मगरमच्छ थे दो तीन, अभी दिखाएंगे ये लोग। वाओ, इधर बाहर एक है, अंदर दो है, पानी के अंदर दो मगरमच्छ। तो लेफ्ट वाला पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर रहा था, जो लैंड पे था वो तो बस ऐसे पड़ा हुआ था। फिर एक बार जीरा दूसरा वाला, और ये पंछी पता नहीं कौन से थे पर इतने ज़्यादा थे एक दो जगह पे ये, और इनके बीच में एक दो बंदर टाइप थे, मतलब बंदर की फैमिली के बट कुछ अलग स्पीसीज थे, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे। हाँ, और यहाँ पे फिर तीन लायन थे, यहाँ पे सेंटर में फैमिली थे इन लोगों की, और उधर आगे कुछ गाय वगैरह थे। अभी आए एक स्टॉप पे वॉशरूम वगैरह करने के लिए, तो अभी यहाँ से एक स्टॉप पे हुआ, देखे बहुत सारे मतलब लायन वगैरह, ज़ेब्रा, जीरा, तो अभी चलते हैं वॉशरूम करने के लिए। वापस जाते वक्त एक और बार जीराफ दिख गए। चल रहे वापस, यहाँ पे आए तो स्टॉप था यहाँ पे।